फाइनली आपके सामने पेश है भाई साहब, काफी दिनों के बाद फाइनली अपनी पार्किंग में नई बाइक आ चुकी है आपके सामने, KTM Duke 390। और अब से जितने भी अपने सारे ब्लॉग होंगे ना, सारे के सारे 390 के ऊपर होंगे। और भाई साहब जो पावर है एकदम नेक्स्ट लेवल। ये चेक करो भाई, यहाँ पे बाइक की पूजा चल रही है भाई, फाइनली KTM Duke 390 की पूजा चल रही है भाई यहाँ पे। जय हो। हाँ जी, YouTube पे अंकल जी खुद की वीडियो बनाया करें ना, बाइक पे कहीं दूर चले गए। चलो भाई निकलते हैं ट्रक और बाइक के बीच में से। ये चेक करो गाइस, खतरनाक कट लग रहे हैं भाई 390 पे। ओह माय गॉड गाइस, खतरनाक। पहले दिन पे पहली राइड पे मुझे नहीं लगता था मैं 390 को इतना तेज चला पाऊंगा, लेकिन 121 टच कर लिए भाई, 121। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। फाइनली आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ फ्रेश न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है, स्वागत है। और गाइस फाइनली आज की व्लॉग की शुरुआत हुई है बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि गाइस आपको पता है सबसे पहली बात तो जो अपनी पार्किंग काफी दिनों से भाई सब अधूरी दिखती थी ना भाई, जिसमें कोई बाइक ही नहीं खड़ी दिखती थी, आज फाइनली अपने घर पे नई बाइक की एंट्री हो चुकी है, नई बाइक का प्रवेश हो चुका है। फाइनली गाइस आपके सामने पेश है यहाँ पे ब्रांड न्यू एकदम KTM Duke 390। और भाई साहब ये इतना ज्यादा टॉप मोड है ना भाई साहब, आपको क्या बताऊं, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है तुम्हारे भाई को इसको चलाने की, भगाने की। इसको ढूंढते हुए ना, इसकी तलाश में बहुत सारे दिन गुजर गए, मुझे पता है भाई अपनी ऑडियंस ना वेट कर रही थी भाई निंजा के लिए, लेकिन गाइस अब मैं कहने के लिए तैयार हो गया हूँ, कहने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो गया हूँ कि भाई सब निंजा की ना आज फाइनली एक बड़ी बहन आ चुकी है आपके सामने, KTM Duke 390। और अब से जितने भी अपने सारे व्लॉग होंगे ना, सारे के सारे 390 के ऊपर होंगे। और भाई साहब जो पावर है एकदम नेक्स्ट लेवल, फुल पावर है। और आपको गाइस ये बता दूं भाई, आज अपनी बाइक की फाइनली डिलीवरी भी हो चुकी है और फिलहाल अपनी 390 की ना पूजा होनी बाकी है। अभी घर वाले फैमिली मेंबर्स साथ साथ सभी हम लोग ना इकट्ठे पूजा करेंगे नई बाइक की, न्यू बाइक की, आप सभी लोगों के साथ। सो पूजा एंजॉय करो, फटाफट पूजा करते हैं और फिर चलेंगे आज की भयंकर टाइम स्पेशल टाइम अपनी ड्यूक की राइड के लिए ना। हाँ चलो गाइस आपको ना फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ। सबसे पहले तो भाई ड्यूक देख लो भाई, 390 में कुछ अलग ही पावर है, कुछ अलग ही चीज है भाई। हाँ जी अम्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल आपको ग्रेट एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन बाय स्वीट कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। चलो भाई साहब, मुझे लगता है यार आप लोगों को समझ आ गया होगा, मुझे थोड़ा थोड़ा मिसिंग है, मुझे नहीं आया, लेकिन आपको समझ आ गया। बहुत मुबारकबाद भाई। फिलहाल यहाँ पे पूजा की थाली आ चुकी है अपनी KTM 390 की पूजा के लिए, मस्त करके मम्मा, पहले मम्मी से पूजा कराएंगे और पापा से बाइक को ऑन कराएंगे। पापा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, पापा थैंक यू सो मच। चलो गाइस पहले ना मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता हूँ, फिर पूजा कराते हैं मस्त बाइक पे ना। KTM Duke 390 की पूजा चल रही है भाई यहाँ पे। चलो गणेश भगवान की जय हो। फिलहाल यहाँ पे बादाम खिलाने का और खाने का टाइम है ना। चलो भाई मम्मा कॉन्ग्रेचुलेशन, पापा जी थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। लो गाइस फाइनली यहाँ पे भाई भी आ चुके हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसी लगी 390 अपनी? एकदम बढ़िया। बाइक का ना भाई पहला कोल्ड स्टार्ट अपना भाई करेगा, वो भी घर के अंदर भाई, पूरे शोर मचा देंगे मस्त करके ना, नई बाइक जो आई है पता भी तो लगे ना। चलो भाई कर दो कोल्ड स्टार्ट। फाइनली गाइस जरा यहाँ पे चेकआउट करो अपना वन एंड ओनली ऑरेंज बीस्ट भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं, KTM Duke 390। मुझे लग रहा है भाई पहली बार यानी अपनी खुद की पर्सनल बाइक यहाँ पे आ चुकी है अपने व्लॉग में, वो भी Duke 390। गाइस मुझे पता है यार काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे बाइक का, निंजा नहीं आ रही, लेकिन भाई दो दो खुशखबरी है। एक तो खुशखबरी आपके सामने भाई, गुड न्यूज आपके सामने, ड्यूक का सबसे ज्यादा हाइयर वर्जन, सबसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन आपके सामने है। और आज से यार जितनी भी आप लोग राइड देखोगे ना वो इसी बाइक के ऊपर देखोगे। बाकी करता हूँ इसको पहला कोल्ड स्टार्ट, वो भी अपनी पार्किंग के बाहर ना, बहुत अच्छा लग रहा है भाई बाइक को लेके, करता हूँ कोल्ड स्टार्ट। नमस्कार सर, नमस्कार। चलो गाइस यहाँ पे करता हूँ बाइक को भाई पहला कोल्ड स्टार्ट, वो भी अपनी पार्किंग में। और भाई साहब बंदे देखते हैं भाई क्लियरली ना, भाई उनको पता लगता है कि भाई कोई ना कोई हाइयर बाइक खड़ी है ना, सुपर बाइक खड़ी है।
चलो भाई इसकी आवाज सुन लो, आवाज चेक कर लो कोल्ड स्टार्ट पे। हाँ जी, YouTube पे अंकल जी खुद की वीडियो बनाया करें ना, बाइक पे कहीं दूर चले गए घूमते हुए है ना, तो ये कैमरा है इसी में वीडियो बना दे। ये चेक करो भाई अपनी पार्किंग के बारे में, क्या शानदार लग रही है बाइक यार अपनी। पहली पहली बार हम लोग ना राइड करने वाले हैं अपनी सिटी में, वो भी 390 पे गाइज। एक्सट्रीमली पावर, एक्सट्रीमली हॉट मशीन। आवाज चेक करो पहले, खतरनाक गाइस, खतरनाक। 390 तो 390 रहेगी गाइस, जिसकी टक्कर कर ही नहीं सकता भाई केटीएम में। और गाइस आज का मौसम भाई साहब इतना ज्यादा गर्मी वाला है ना, आपको क्या ही बताऊं। ऊपर से भाई सुपर फास्ट मशीन अपने साथ है, जो कि भाई जल्दी गर्म हो जाती है यार। मेरे को पता है यार, अपनी ऑडियंस को पता होगा, निंजा से ना कुछ 5-6% 10% इसमें बहुत ज्यादा पावर है भाई साहब। और इसके पहले गियर पे जो पिकअप इंस्टेंट पिकअप पे उठती है ना भाई, खतरनाक गाइस, खतरनाक। और यहाँ जरा चेक करो भाई, ट्रैफिक बहुत खतरनाक चल रहा है भाई आज के टाइम पे। पता नहीं क्या कारण है, क्या सीन है यहाँ पे, ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है भाई रोड पे। हम लोग अपनी बाइक को कैसे लेके जाएंगे ना बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन डालनी पड़ेगी भाई ट्रैफिक के बीच में, तभी मजा आएगा। चलो गाइस निकलते हैं ना बिल्कुल प्रॉपर मेन रोड पे। भाई पहली बार गाइस गोहाना में मेरे हिसाब से पहली बार 390 आ रही है, वो भी अपनी है, खुद की पर्सनल अपनी बाइक है, तो भाई सब मजा आ जाएगा ना आज की राइड पे। पुलिस वाले अंकल जी की टीम भाई हर जगह फैली हुई गाइस आजकल ना, इलेक्शन के कारण भाई हर जगह, एक तो छुट्टियां चल रही है और पुलिस की सिक्योरिटी टीम हर जगह फैली पड़ी है गाइस। चलो गाइस एक बार आपको 390 का पुल ओवर दिखाता हूँ भाई, ये चेक करो। ओ भाई साहब खतरनाक, मुझे लग रहा है यार ये हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज है भाई। पहले गियर पे जो उड़ती है ना भाई, एकदम जर्मन सारी चीजों को फाड़ते हुए उड़ती है भाई रोड पे, यानी रोड को निकलने के लिए, कच्चा चबाने के लिए बाइक अपनी फुल पावर रेडी है, 24 की स्पीड में कलेश काटती है गाइस। यहाँ से अपन को भाई कट लेना है, क्योंकि अपने को जाना है बिल्कुल सीधा सीधा सिटी में। ओ माय गॉड गाइस खतरनाक, भैया जी विश्राम लो वरना भाई ड्यू खतरनाक सीन कर देती है भाई, जब भी आती है ना सिटी में, कसम से कह रहा हूँ ताऊ जी, देख के 390 आ रही है, कोई छोटी मोटी आम बात नहीं है भाई। पहली पहली बार ना अपनी सिटी में चला रहा हूँ, काफी एक्साइटेड भी हूँ, काफी नर्वस भी हूँ भाई, कि मशीन की पावर ना मुझे थोड़ी बहुत कम पता है। आपको पता है पहले हम लोग ना निंजा 300 चलाते हैं और साथ के साथ ड्यूक 250 चलाते हैं, थोड़े इसकी पावर का कम अंदाजा है, लेकिन भाई आज से अपनी बाइक हो चुकी है, हर एक व्लॉग आपको इससे बाइक पे देखने को मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा करके ना हम लोग भी इसके आदत के अनुसार सेट हो जाएंगे भाई, अपना हाथ भी इस पे सेट हो जाएगा। बाकी गाइस आगे पूरा तगड़े वाला ब्लॉकेज हो रखा है भाई, इलेक्शन के कारण ना भाई गाड़ियां ही गाड़ियां, स्कॉर्पियो। चलो भाई निकलते हैं फटाफट आगे। गाइस ये चेक करो भाई, यहाँ पे तो पैदल चलने की जगह नहीं है भाई, 390 को तो कहाँ निकालूं ना ट्रैफिक में से। ये चेक करो भाई, बीच में से ना गोल गोल कटिंग करने का जो भाई नेक्स्ट लेवल आइडिया लगता है ना भाई 390 पे, वो 250 में भी नहीं है भाई, जो कि सामने थी है ना उसमें भी आइडिया नहीं लगता भाई। यहाँ चेक करो गाइस, हल्का सा रोड आने के लिए इतना ज्यादा मैं बेकाबू बैठा हूँ ना भाई साहब, आपको क्या ही बताऊं। चलो 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 गाइस अब निकलेंगे आगे। ये चेक करो गाइस, फटाफट आगे निकल चुके हैं, और स्विफ्ट के एलोइज अति सुंदर गाइस, अति सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, दूर से ही जैनवन ना चीज आंखों में निखर करके आगे आ जाती है भाई, वो हम लोग आपको दिखा देते हैं ना। ये चेक करो भाई, जमीन को इधर से उधर करने के लिए मशीन आ रखी है, तोड़फोड़ करने के लिए हम लोग आगे निकलते हैं भाई। ये चेक करो गाइस पावर, मशीन की पावर, पावर हो तो गाइस ऐसी हो मशीन में, बाइक में वरना पावर ही ना हो भाई, वरना बाइक ही ना हो। आंटी जी हटो हमें रास्ता दो भाई, कितनी देर के लिए हम लोग ना बहुत एक्साइटेड बैठे हैं, बहुत बेकाबू बैठे हूँ भाई। यहाँ पे पुलिस की टीम तत्पर है गाइस चेकिंग के लिए ना, बाकी अपन लोग आगे निकलते हैं भाई। अभी आपको फिलहाल कटिंग वटिंग दिखाते हैं यार 390 की, इतनी ज़्यादा कुछ खास आदत नहीं है, लेकिन कोशिश अपनी पूरी करूँगा। ये चेक करो भाई, रोड बिल्कुल खाली है, अभी स्पीड चेक करो ना 390 की फुल पावर गोहाना के रोड पे, वो भी पहली बार मेरी जिंदगी में मैं चला रहा हूँ, और देखने वाले भी शायद ऑडियंस पहली बार ही देख रही होगी भाई, गोहाना जैसी छोटी सी सिटी में 390 देखने को नहीं मिलती है गाइस, लेकिन हम लोग लाए हैं तो आपकी सभी की नीड अच्छे से फुलफिल कर देंगे भाई, आपको मस्त करके कंटेंट दिखाएंगे, आपको दिल से मजा आ जाएगा। ये चेक करो ना गाइस, जो इसकी स्क्रीन पे भाई साहब लाल लाल बत्ती आ रही है ना, जैसे हम लोग स्पीड पे चल रहे हैं भाई साहब, अलग ही लेवल की मोटिवेशन दे रही है भाई दिल में, कि बाइक को थोड़ा सा और भगा के देखो भाई, थोड़ा सा और चला के देखो। रोड बिल्कुल खाली है, इसका मैक्सिमम ट्राई करते हैं भाई। ओ माय गॉड गाइस, भाई साहब
हवा हवाई मशीन है गाइस। और आपको मैं भाई इसकी जो मेन कैपेसिटी है ना, इसकी पावर बता देता हूँ भाई। 0 से लेके 5 सेकंड में अपनी 390 फाइनली KTM Duke 390 0 से लेके 5 सेकंड में पूरे 100 भागती है। मेरे हिसाब से या तो 0 से लेके 3 सेकंड में ये काम Lamborghini कर सकती है, या दूसरे नंबर पे KTM Duke 390 कर सकती है भाई। चलो फिर निकलते हैं आगे भाई। जो उड़ती है ना गाइस एकदम खतरनाक, बंदे को ऐसा पीछे देके मारती है ना भाई, पीछे की साइड, बैक की साइड, भाई साहब वो संभल में ही नहीं आ सकता भाई। जो जो डेली बाइक चलाता है ना 390 या ड्यूक की जिसे आदत है, बस वही 390 की पावर को मैनेज कर सकता भाई, वरना ऐरा गहरा बंदा भाई बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकता भाई 390 की पावर को। खतरनाक चलती है गाइस ये चेक करो गाइस स्पीड इसकी, खतरनाक रॉकेट की तरह शूं करते हुए आगे निकलती है भाई व्हीकल से। और गाइस मैं आपको एक चीज तो बता दूं भाई, आजकल ना भाई टेम्परेचर इतना ज्यादा चल रहा है ना 45-50 भाई, क्या खतरनाक टेम्परेचर चल रहा है, बंदा तो भाई सरेआम पकोड़े बन जाता है भाई। अगर सुपर बाइक के साथ रोड पे निकले ना, पकोड़ा बनना तो निश्चित है उसका। ये चेक करो भाई साहब, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना भाई, आपको क्या ही बताऊं कि बंदे यहाँ पे रोड पे बिल्कुल नंगे घूमने लगे हैं भाई, बिल्कुल नेकेड। गाड़ी ने तगड़ी ब्रेक मारी है ना भाई, आपको क्या ही बताऊं, दोनों ABS ऑन है तभी हम लोग बच गए, वरना के अंदर पहले दिन 390 ना खतरनाक ब्रेक मारती है भाई, वरना भी पता नहीं क्यों मारे इसने। ये चक्कर हो गया, फाइनली आ चुके हैं ड्यूक 390 को लेके ना मार्केट वाले एरिया के आसपास। खैर मार्केट तो राइट हैंड साइड को अंदर की साइड है, हम लोग बिल्कुल सेंटर ऑफ द मार्केट जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि भाई 390 फंस जाने वाली है वहाँ पे अपनी। लेकिन यहाँ पे भी भाई रिएक्शन काफ़ी तगड़े आते हैं ना, रिएक्शन एंजॉय करो भाई मार्केट के पहली बार गोहाना में। चेक करो गाइस KTM 390 अगर मेरे किसी और भाई के पास है ना, मेरी तो पहली राइड है, लेकिन आपको बता रहा हूँ भाई जितना 390 को मेन रोड पे, फ्लैट रोड पे, खाली रोड पे और साथ में हाईवे पे चलाने का मजा है ना, वो कहीं पे भी नहीं है भाई। चलो भाई निकलते हैं ट्रक और बाइक के बीच में से। ये चेक करो गाइस खतरनाक कट लग रहे हैं भाई 390 पे। ओ माय गॉड गाइस खतरनाक, पहले दिन पे पहली राइड पे मुझे नहीं लगता था मैं 390 को इतना तेज चला पाऊंगा, लेकिन 121 टच कर रही है भाई 121, और इसका मीटर गाइस खतरनाक, आज से जान बन चुकी है भाई अपनी, नई जान को सलाम है गाइस, बहुत खतरनाक चलती है भाई बहुत खतरनाक। ये चेक करो भाई चाचा जी मुझे लगता है मूड में है भाई, अपनी बाइक भी 390 मूड में है और लगता है चाचा जी भी आज मूड में है भाई। सो गाइस फाइनली यहाँ पे, जरा यहाँ पे सीन चेक करो यार, यहाँ पे हो चुकी है शाम, ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो रहा है भाई, यहाँ पे 6:21 6:30 हो रहे हैं, यहाँ पे सनसेट होने वाला है, मौसम एकदम बदल चुका है, क्योंकि आज अपनी पहली राइड थी ना KTM 390 पे, और पहली राइड का मेरे हिसाब से मेरे अनुसार ऑसम सा एक्सपीरियंस था, मेरे सबसे 5-स्टार एक्सपीरियंस था। होप करता हूँ गाइस आज वाला व्लॉग आपने दिल से पसंद किया होगा, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल। भाई साहब लड़कियों के दिल में अलग ही क्रेज है भाई 390 के लिए, कसम से गाइस पलट के लड़कियां देखती हैं भाई, लड़कियां तो खतरनाक फैन है भाई 390 की। Let's go home. Bye-bye. Love you all, guys. Love you all.